अपने मोबाइल में नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और जुड़िए हर खबर से। NVTV बात हम सबकी। क्षेत्र में हो रही निरंतर बारिश से तवा डैम लबालब हो गया, जिसके बाद गुरुवार को डैम के 5 गेट लगभग 4 फीट तक खोले गए। 3 साल बाद ये पहला मौका है जब इतनी देर तक तवा डैम के गेट खोले गए। तवा का जल स्तर बढ़ना हम सभी के लिए अच्छा है, किसानों को इस वर्ष काफी उम्मीद है। डैम से करीब 33,695 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद नर्मदा नदी का जल स्तर भी बढ़ा। होशंगाबाद में नर्मदा जल का स्तर 941 फीट के करीब हो गया। तवा डैम के जब गेट खुलते हैं तो नजारा देखने लायक होता है। त्योहार के दिन शाम के समय बड़ी संख्या में लोग इस नजारे का लुत्फ उठाने अपने परिवार के साथ पहुंचे। वहां पर लोगों ने ना सिर्फ सेल्फी ली बल्कि बहते हुए पानी का आनंद भी उठाया। तवा डैम के होने से इटारसी, बाबई एवं होशंगाबाद के किसानों को काफी फायदा होता है। अगर इसी तरह का डैम क्षेत्र के अन्य नदियों पर भी बन जाए तो वहां के किसानों की ना सिर्फ तरक्की होगी बल्कि उस क्षेत्र में खुशहाली भी आएगी। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि बनखेड़ी की दुधी नदी पर भी डैम बनाया जाए ताकि बारिश के इस जल को सहेजा जा सके और जल संकट को दूर किया जा सके।